हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरे पूरे दिन का फूड रूटीन या डाइट कह लो या क्या क्या मैं खाती हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे बेसिकली फ्रॉम अ पोस्टपार्टम रिकवरी पर्सपेक्टिव। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मैंने अभी 10 दिन पहले आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी एंड ऑब्वियसली जितना प्रेगनेंसी में खाना पीना और उसका ध्यान रखना ज़रूरी है उतना ही डिलीवरी के इमीडिएटली बाद भी रखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से रिकवर कर पाओ, ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज़ ना हो, आपका सप्लाई अच्छे से बना रहे एंड ऑब्वियसली आप को कोई डेफिशिएंसीज और ये सारी इश्यूज ना हो। इसलिए हालांकि मेरे डॉक्टर ने कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हैं डाइट में मेरे और कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाइट में इंक्लूड भी नहीं किया है, लेकिन मम्मियाँ जो होती है हमारे इंडियन मॉम्स वो बहुत जो पुराने टाइम से चला रहा है बहुत सारी चीज़ें, गोंद हो गई, यू नो पपाया हो गया, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली इंक्लूड करती है पोस्टपार्टम डाइट में जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आजकल खा रही हूँ और मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने सुबह एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पिया है बिकॉज आई एम सपोज टू टेक माई आयरन सप्लीमेंट और आयरन यूजुअली खाली पेट पे वाइटामिन सी के साथ अगर लो तो बेटर एब्जॉर्ब होता है। सो जब मैं फीड कर रही थी सुबह का पहला ब्रेस्ट फीड तो साथ साथ मैं टुक माई आयरन टैबलेट और उसको अब रफली 1-1.5 घंटा हो गया। ब्रेकफास्ट में मैं रोज़ सेम चीज़ ही खाती हूँ, इट्स अ स्टैंडर्ड। अथर्व के टाइम पे भी इनफैक्ट मैं यही खा रही थी एटलीस्ट इनिशियल 2 मंथ्स के लिए। सो दिस इज इट, ये है ओट्स विथ मिल्क। ओट्स एकदम क्विक एंड ईजी होते हैं, प्लस दे आर वेरी गुड फॉर लैक्टेशन। आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो फ्लो को एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। फाइबर रिच होते हैं तो इनिशियल दिनों में जो कॉन्स्टिपेशन और ये सारे इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होते। एंड आई डोंट ऐड शुगर टू दिस, तो मैं इसमें डेट्स डालती हूँ तो आयरन का भी अच्छा सा एक पोर्शन हो जाता है। एंड देन यू कैन ऐड फ्रूट्स इफ़ यू वॉन्ट टू टॉप इट अप विथ फ्रूट्स, पीनट बटर अगर प्रोटीन आप डालना चाहते हो तो इतना वर्सटाइल होता है। सो या That's what I'm going to have now. अथर का स्कूल चल रहा है, उसके साथ बैठ के मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। लंच में है करेले की सब्जी, रोटी, कढ़ी, थोड़ा सा सैलेड और सीजन की ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट आम। और साथ में लंच में मैं रोज़ लौकी और टमाटर का सूप पीती हूँ। लौकी अगेन लैक्टेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज भी बहुत हेल्दी होती है एंड सूप्स मुझे काफ़ी पसंद है, सो इट्स अ विन विन। ओके, अब बज गए शाम के 6 और इवनिंग स्नैक्स का टाइम है। इस टाइम पे यूजुअली मैं पपीता खाती हूँ और साथ में या तो मखाना या कुछ खाती हूँ। आज मुझे इतनी भूख नहीं है क्योंकि मैंने लंच काफ़ी लेट किया था, तो आज मैं मखाना स्किप कर रही हूँ। मैं खाने वाली हूँ पपीता और साथ में यूजुअली मैं इस टाइम पे खाती हूँ एक पीस मेथी का, यानी ये जो मेथी के दाने होते हैं उसका पाउडर बना के फिर उसके अंदर यू नो बहुत सारी और चीज़ें डाल के, नारियल हो गया और ये सारी चीज़ें डाल के ऐसे बनता है। हल्का सा कड़वा होता है बट लैक्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेथी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बहुत लोग मेथी का पानी भी पीते हैं, मुझे सूट नहीं करता बट दिस इज़ क्वाइट नाइस, यानी ज़्यादा कड़वा भी नहीं है एंड खा लिया जाता है। तो दिन का यूजुअली एक पीस मैं ये खाती हूँ और आज मैं फिल्म कर रही हूँ वीडियो तो अचानक से मुझे लग रहा है कि मैं कितना सारा खा रही हूँ, यानी ऑब्वियसली सारी हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, ज़रूरी चीज़ें खा रही हूँ, बट अब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं दिन में एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें खाती हूँ। सो फाइनली अब हो गया है डिनर टाइम। डिनर भी बेसिक ही होता है मेरा, जो रोज़ बाकी सारे लोग घर पे खाते वही खाते हैं। आज हमारे घर पे सत्तू के पराठे बने हैं, सो मैं सत्तू के पराठे खाने वाली हूँ और
यूजुअली डिनर के बाद रात में सोने से पहले मैं एक ग्लास दूध पीती हूँ प्रोटीन पाउडर के साथ, कभी शाम में पी लेती हूँ, यूजुअली रात में पीती हूँ। सो या वही दो चीज़ें अब बची है। ये था मेरे पूरे दिन का खाने का रूटीन, बहुत ही बेसिक है और मुझे लगता है जो बेसिक होता है वही सस्टेनेबल होता है, वरना ये होता है कि एक हफ्ता कर लिया, 10 दिन कर लिया, उसके बाद हो नहीं पाता। सो आई ऑब्वियसली डोंट वांट दैट। एटलीस्ट पहला महीना मैं यही रूटीन फॉलो करने वाली हूँ एंड उसके बाद देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हो सकता है कुछ चीज़ें बंद कर दूँ मैं और बाकी की चीज़ें कंटिन्यू करूँ, क्योंकि तब तक बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई होगी इन टर्म्स ऑफ माई रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का सप्लाई एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यार यही था, आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है। यूजफुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।